नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी चैनल में। इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे जो सॉन्ग है तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप ये दोनों काम अभी कर दीजिए ताकि संगीत से जुड़ी सभी वीडियोज़ आपके पास आ सकें। जो स्किल मैं रखूँगा इस गाने की वो होगी जी शार्प माइनर, जी शार्प माइनर आपको कॉर्ड लगाना है जो इसका बेस कॉर्ड है। ये सॉन्ग माइनर में है तो आइए इसको बजा के देखते हैं। एक बार सुनिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको बजाने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा जो सॉन्ग है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि पहले कहीं पर कोमल स्वर कहीं पर शुद्ध स्वर वो यूज़ हुए हैं, तो ये गाना आपके सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे हमने स्टार्टिंग की थी पहले आपने एक बेस नोट माना, कहीं भी आप रेफरेंस मान सकते हैं, उसके बाद उस नोट से आपको जंप करना है हाई की तरफ। जैसे जैसे आप गाने को सुनेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि वो राइट साइड में गया है, यानी कि स्वर जो है वो चढ़ा था। अब वो कितना चढ़ा था वो आपको ट्राई करना है। जैसे तू तू है वो, अब जैसे मेरे को कैसे पता लगा कि मुझे यहीं पर जंप करना है, ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर ट्राई करके देखिए, ये गलत हो गया, ये पूरा ऑफ स्वर चला गया, हल्का सा रह गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको पता लगेगा अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो। फिर यहां तक हम पहुंचे, फिर इसके नेक्स्ट बटन ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अगर आपने गाना ध्यान से सुना होगा तो आपको पता लग जाएगा कि यही नोट आना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल करके आप जो गाना है वो निकालने की कोशिश कीजिए। फिर से देखते हैं। फिर हम धीरे धीरे वापस लो ऑक्टेव में, यानी कि पीछे की तरफ। फिर हमने जंप किया वापस अगले बटन पर। अब यहां पर जो हम शुद्ध ले रहे थे पहले, अब वो कोमल प्रयोग हो जाएगा, रिलेटिव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे जो इससे पहले हम बजा रहे थे वहां पर ये स्वर प्रयोग हुआ था, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है उसमें ये वाला स्वर, ठीक है। पर फिर से फीलिंग चेंज हुई तो इसलिए फिर से जो स्वर है वो चेंज हो जाएगा, वो नोट है जो चेंज हो जाएगा। तो यही सब चीजें आपको देखना है, आपको समझना है कि क्यों हमने जब हमने ये नोट प्रयोग किया तो क्या चेंज हुआ साउंड में, जब हमने ये नोट प्रयोग किया तो क्या साउंड में चेंज हुआ। तो अगर आप धीरे धीरे ये सब चीजें सीखते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि गाना हम कैसे निकालें खुद से बिना देखे, ठीक है। जो नोटेशंस देख के आप कर रहे हैं वो तो कर लेंगे, वो कोई बच्चा भी कर लेगा, लेकिन जो गाना है वो आपको खुद से सीखना है। जैसे आपने ये वीडियो देखी तो इसमें से आप हेल्प लीजिए, मदद लीजिए कि किस तरह से नोट्स बज रही हैं, फिर उनको बिना देखे फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।